धाम बालाजी धाम बाबा नीम करोरी आश्रम ट्रस्ट के तत्वधान में बाबा नीम करोरी महाराज द्वारा दिए आशीर्वाद से स्मृति उत्सव को लेकर श्री बाबा नीम करोरी स्मृति उत्सव के होने वाले आगामी उत्सव को लेकर एक सभा का आयोजन निर्माणाधीन आश्रम पर किया गया, जिसमें ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे, जिसकी अध्यक्षता अनिल कुमार शर्मा के द्वारा की गई और उनके द्वारा बताया गया कि 27 फरवरी को होने वाले बाबा के छठे स्मृति उत्सव के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। सभा में उपस्थित रहे निहाल सिंह यादव, विनीत गुप्ता, नितिन गुप्ता, गौरव अग्रवाल, बलवंत सिंह, दिनेश कुमार भंडारी, ललित कुमार कक्कड़, राजेंद्र अरोड़ा, शैलेंद्र प्रकाश गुप्ता, विनोद राय, जयदेव यादव, धर्मेंद्र अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। मोरादाबाद से अमन सक्सेना के साथ अजय सक्सेना की रिपोर्ट। आज श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करोली आश्रम के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर आज आश्रम पर मीटिंग रखी गई है। आश्रम पर होने वाला 27 फरवरी को कार्यक्रम, उसके उपलक्ष्य में यहाँ मीटिंग रखी गई है। 27 तारीख को जिम्मेदारियाँ, जो जिम्मेदारियाँ हैं सबको बांटी गई हैं। यहाँ पर आश्रम पर बाबा के जो भक्तगण दूर से आएंगे, जो दूर दूर से आएंगे, उन लोगों की व्यवस्था सब बांटी गई है कि लोगों कैसे किसी को भक्त को हमारे परेशानी नहीं पड़े आने में। यहाँ पर आश्रम के अंदर जो कार्यक्रम होंगे वो सुबह प्रातः 8 बजे सुंदरकांड, तत्पश्चात 10:30 बजे से यज्ञ चालू हो जाएगा। एक के बाद भोग लगेगा बाबा का और भोग के बाद भंडारा शुरू हो जाएगा ब्रह्म भोग के। इसी तरह से यहाँ पर जो 27 फरवरी को कार्यक्रम चलेंगे यहाँ पर, उसी की जिम्मेदारी सब लोगों ने हम आपस में आज बांटी है। जैसे प्रथम बार यहाँ पर पहले प्रोग्राम हो रहा है इस स्थान पर, तो भक्तों को आने में परेशानी हो रही है, उसके लिए आपने क्या कहना? भक्त जो जितने भी हमारे आएंगे, बाहर से आएंगे, मुरादाबाद से आएंगे या दिल्ली से भी आएंगे, कैंची से भी आएंगे, ऋषिकेश से भी आएंगे, उन लोगों को हमने हाईवे पर होर्डिंग की व्यवस्था कर रखी है। कुछ छोटे होर्डिंग हम लगवा देंगे खम्भों पर और चूना लग जाएगा, और उसमें हमने ये करा है कि होर्डिंग भी हमारे जो बड़े होर्ड बने हुए हैं, ये बराबर में होर्ड रखे खड़े हुए हैं, ये होर्डिंग भी हम रोड पर लगवा देंगे। उसके लिए भी हमने व्यवस्था एक अपने गार्ड की या उसकी व्यवस्था कर देंगे यहाँ पर, कि जो गाड़ी हमारी भी सब व्यवस्था संपन्न रहेगी, किसी बात को किसी भक्त को भी हमारे परेशानी ना पड़े। बाबा के भक्तों से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बाबा के भक्तों से यही संदेश देना चाहेंगे कि बाबा के भक्तगण जितने भी हैं मुरादाबाद, बाहर दूर दराज से भी हैं, जितने बाबा को मानने वाले हैं, जो जिनके अंदर बाबा की प्रेरणा, बाबा के स्रोत हैं, वो सब लोग यहाँ आएँ, बाबा का प्रसाद ग्रहण करें, बाबा से अपना आशीर्वाद प्राप्त करें, बाबा उनकी सब मनोकामना पूर्ण करें, बाबा उनके उज्जवल की भविष्य की भी कामना देखते हुए आशीर्वाद दें, बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करें। यही हम चाहते हैं कि आश्रम पर प्रसाद सब लोग आएँ, बाबा यहाँ भी रहेंगे और हमारे बीच में यहाँ पर भी रहेंगे, जितने सब लोग भक्तगण हैं आराम से अपना यहाँ प्रसाद ग्रहण करें। सब व्यवस्था आपको करने वाले तो प्रभु हैं, राम हैं, बाबा हैं, मगर हम और आप सब व्यवस्था ही कर सकते हैं। व्यवस्था में हम कोई भी त्रुटि ना रहे हमसे, उस त्रुटि को ही देखते हुए हम आज यहाँ पर बैठे हैं कि किसी तरह की कोई त्रुटि हमसे ना रहे।